आप सभी का स्वागत है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे 2024 में या अगले साल 2025 में, जो भी आपका प्लान है, तो इस वीडियो में आप जानेंगे वीजा फॉर्म कैसे भरते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरीके से प्रोफाइल बनती है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। छोटी सी वीडियो है, इसको एंड तक जरूर देखें ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया को लेकर, जो आपके लिए काफी यूजफुल भी रहेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वीजा का प्रोसेस कैसे चलता है। तो स्टेप नंबर वन होता है कि आप एक वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलिया करके, उसका लिंक है immigration.home.affairs.gov.au ऐसे करके होगा, हो सकता है मैं ठीक से ना बोल पा रहा हूँ लेकिन ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस वेबसाइट पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने अपना कैटेगरी चूज करना है, किस लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट है, विजिट है, स्टडी है, व्हाटएवर जो भी आपका पर्पस है। उसके बाद वो वीजा फॉर्म आ जाता है। ओके, तो वीजा फॉर्म को भरना सीखते हैं सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चंस जो थे हमें वीजा फॉर्म को लेकर आते हैं, तो अब आपके स्क्रीन पे वीजा फॉर्म आ रहा होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज द एप्लीकेंट करंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर से वीजा अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप अगर ऑस्ट्रेलिया में वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरली आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए कर रहे होंगे, और अगर आप खुद ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं और खुद लेना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे यस कहना है। ओके, गिव द करंट लोकेशन ऑफ द एप्लीकेंट एंड देयर लीगल स्टेटस एट दिस लोकेशन। आपने लिखा कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, तो कौन सी लोकेशन है, पूछ रहे हैं आपसे इंडिया, और क्या आप वहाँ के सिटीजन है या विजिटर है या फिर जो भी आपका लीगल स्टेटस है, वहाँ पे आप चूज करेंगे। सिटीजन आ जाएगा अगर आप इंडियन नेशनल है तो। और फिर नेक्स्ट है पर्पस ऑफ स्टे, नेक्स्ट पैराग्राफ, उसमें आपको पहला क्वेश्चन दिखेगा, सेलेक्ट द स्ट्रीम द एप्लीकेशन इज अप्लाइंग फॉर, यानी आप वहाँ किस स्ट्रीम पे जा रहे हो, आपका एजुकेशन स्ट्रीम है, टूरिज्म स्ट्रीम है, बिजनेस स्ट्रीम है, क्या है। तो यहाँ पर आपका टूरिस्ट आ जाएगा, टूरिज्म, विजिट फैमिली और फ्रेंड्स वाला आपको दिख रहा होगा, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जब दिखेगा आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा भी होता है, अगर आपने एक बार स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिस्ट ऑल रीजंस फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आपने जैसे ऊपर टूरिस्ट स्ट्रीम लिखा ही हुआ है, तो टूरिस्ट में क्या होता है, या तो आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स के लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसे सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव डिटेल्स ऑफ एनी सिग्निफिकेंट डेट्स ऑन विच द एप्लीकेंट नीड्स टू बी इन ऑस्ट्रेलिया। यानी हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड की वेडिंग पे जा रहे हो, किसी कजन की वेडिंग पे जा रहे हो, कोई और सेलिब्रेशन पे जा रहे हो, तो वट एवर योर पर्पस इज, तो यहाँ पे आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो भी आप इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई मैं सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ इस डेट से इस डेट तक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी लीव सेंक्शन करवा ली है। इस तरीके से आप यहाँ पे एक छोटा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है, आपको बहुत ज्यादा साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। बी वेरी क्लियर इन योर वोकैबुलरी, बहुत ही साफ और स्पष्ट लैंग्वेज का ही यूज करें यहाँ पे आप। नेक्स्ट आ जाएगा ग्रुप प्रोसेसिंग, इज दिस एप्लीकेशन बीइंग लॉस्ड एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। तो ग्रुप प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं तब तो यहाँ पे नो आएगा, लेकिन द मोमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है या बच्चे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यस आ जाएगा, राइट। अगर आप अकेले सोलो अप्लाई कर रहे हैं तो नो आएगा, और अगर आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप मल्टीपल लोग हैं तो यस आ जाएगा, ऑलराइट। यस, जैसे द मोमेंट आप यहां पे यस कर देंगे तो नेक्स्ट आपको ग्रुप आईडी को खुद ही बता देगा कि ग्रुप आईडी की लिस्ट आ जाएगी, आप ग्रुप फैमिली के साथ हैं या बिजनेस ग्रुप पे हैं, जो भी है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आईडी अपने आप यहां पर आ जाएगी। और उसके बाद आ जाता है ग्रुप नेम, तो अगर आप यहां पे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं, ग्रुप ट्रैवल विद बिजनेस पार्टनर्स लिख सकते हैं, या कंपनी ग्रुप लिख सकते हैं, और फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग विद इन ग्रुप विद वाइफ एंड चिल्ड्रन लिख सकते हैं, राइट। ग्रुप टाइप में आगे बिजनेस फैमिली जो भी है तो यहाँ पर आप उसको साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे स्पेशल कैटेगरी ऑफ एंट्री, इसमें लिखा है इज द एप्लीकेंट ट्रैवलिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और ट्रैवलिंग ऑन अ यूनाइटेड नेशन लेसे पैसे, इसका प्रोनाउंस लैसे पैसे होता है, राइट। तो आपके पास लैसे पैसे का मतलब तो कोई परमिट है यूनाइटेड नेशंस का या कोई गवर्नमेंट की तरफ से आप आ रहे हैं, तो नेचुरली आप नो ही लिखेंगे यहाँ पे। अगर आप यस कर रहे होते तो फिर आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, क्योंकि उसमें आपको कोई एजेंट नहीं चाहिए होता, उसमें गवर्नमेंट ही आपके लिए सब कुछ करके देती है, राइट। नेक्स्ट आप कॉलम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन नेम्स इनकरेक्टली में रिजल्ट इन डिनायल। हाँ, अब यहाँ पे आपकी डिटेल्स पूछी जा रही है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक, आपकी नेम पासपोर्ट डिटेल्स में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको दिखेगा फैमिली नेम, यहाँ पर जो भी आपका फैमिली नेम है, जो आपके सर नेम में लिखा है वो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे, और गिवन नेम जो आपके फर्स्ट नेम में लिखा है यहाँ पे लिखेंगे। कई लोगों का सर नेम नहीं होता, उस केस में फर्स्ट नेम को ही आप रिपीट कर सकते हैं, राइट। फैमिली नेम और गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम ही आ जाएगा अगर आपका सर नेम नहीं है, अदरवाइज अगर आपका सर नेम है तो फैमिली नेम में आएगा और जो फर्स्ट नेम है वो गिवन नेम में आएगा, ये ध्यान रखें, इसलिए मैंने ये दो बार रिपीट किया है। तो बेस्ट रहेगा आप इस वीडियो को जो है सेव कर लीजिए, राइट, ताकि आप जब भी ऑस्ट्रेलिया वीजा फॉर्म अप्लाई करें तो आप इसको फटाफट रिव्यू कर सकें।
नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं आपका सेक्स, मेल फीमेल, और जो भी है वो आप सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है एज पर द पासपोर्ट ओनली। कई लोगों का पासपोर्ट में अलग होता है और एक्चुअल अलग होता है, वो गलती ना करें, जो पासपोर्ट में वही लिखना आपने। पासपोर्ट नंबर आपका, कंट्री ऑफ पासपोर्ट कहाँ से बनाता है, सब आपके पासपोर्ट में लिखा होता है। नेशनैलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर, आप इंडियन है क्या है वो लिखा जाएगा। डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इश्यू, सब पासपोर्ट पे लिखा होता है। और एक चीज़ हो, जब भी आप अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड दैट पासपोर्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, यानी आप जब भी ऑस्ट्रेलिया में लैंड करने वाले हैं तब से 6 महीने तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलम है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, डस दिस एप्लीकेंट हैव अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, इसे कहते हैं आधार कार्ड को, ये जो घुमा फिरा के बोला जाता है, तो आपने यस ही करना है। आजकल हर एक का आधार कार्ड है, नहीं है तो आप उसे बनवा ले, वो जरूरी होता है। और फिर नेक्स्ट कॉलम पे आपसे इसकी डिटेल पूछी जाती है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, एंटर द डिटेल्स एग्जैक्टली एज शोन ऑन द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। जैसा ही आधार कार्ड पे जो भी आपका नेम और ये सब है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, लिखा जाएगा। जैसे अगेन फैमिली नेम, गिवन नेम, सेम वही स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी है। आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है यहाँ पर आ जाएगा। कंट्री इशू, आपका इंडिया में है, कहाँ पर है, नेचुरल इंडिया ही होगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी लिखा होता है, अगर आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में कोई डेट ऑफ इश्यू या डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं है तो फिर आपको डेट वाला जो कॉलम है वो फ्री छोड़ देना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप आएंगे पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड, ये हमारे लिए काम का नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। द पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड इज इशूड थ्रू एन इन्विटेशन प्रोसेस टू पैसिफिक लीडर्स, इफ द एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड अ पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड, सेलेक्ट नो फॉर दिस क्वेश्चन, सिंपल। तो ये हमारे लिए नहीं है, इसलिए नो आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, टाउन सिटी जो भी आपकी है, दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। स्टेट प्रोविंस, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, जो आप यहाँ पे लिखें। कंट्री ऑफ बर्थ, अगर इंडिया में हुआ है तो आपके पासपोर्ट पे होगी डिटेल से, डोंट वरी, उसे दे देख के लिखना है आपने। रिलेशनशिप स्टेटस, आप सिंगल है, मैरिड है, विडोड है, सेपरेटेड है, जो भी है यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अदर नेम्स एंड स्पेलिंग, अगर आपने अपना कभी नाम चेंज करवाया पास में, कोई और नाम था आपका जिस पे आपने वीज़ा लगाया हो या आपके पास प्रॉपर उसका आईडी हो, तो आपने यहाँ पर लिखना है। कई बार लोग नेम चेंज करवा भी लेते हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना नाम लिख देंगे जो पहले था। सिटीजनशिप, इज द एप्लीकेंट अ सिटीजन ऑफ द सेलेक्टेड कंट्री ऑफ पासपोर्ट, यानी आप जो भी एप्लीकेंट है वो उसी कंट्री का ही रेजिडेंट है जिसका पासपोर्ट है, तो ये आपने यस ही कहना है। इसका कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आप इंडियन नेशनल हो सकता है आप दुबई में काम करते हो, सिंगापुर में काम करते हो, और ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करते समय आप इंडिया में वापस आ रहे हैं, तो अभी आप टेम्परेरी रेजिडेंट हो गए सिंगापुर के या दुबई के, राइट। अगर ऐसा केस है तो आपने यस कहना है और फिर सिंगापुर या दुबई में जो भी आपकी जिस भी कंट्री की रेजिडेंस डिटेल्स है वो यहाँ पे पुट कर देनी है, अदरवाइज सिंपली नो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीवियस ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया, हैज दिस एप्लीकेंट प्रीवियसली ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया, क्या पास में जा चुके हैं, तो आप नो ही लिखेंगे। हैज द एप्लीकेंट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर वीजा टू ऑस्ट्रेलिया, अगर आपका पहले आपने कभी भी ऑस्ट्रेलिया वीजा अप्लाई करा था और वो रिफ्यूज हो गया, तो आपने यहाँ पर यस कहना है, और आपने अगर कभी भी अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे नो कहना है। ये 3 साल या 5 साल का रिकॉर्ड नहीं मांग रहे हैं, इनका कहने का मतलब है एवर, कभी किया हो तो, ठीक है जी। ग्रांट नंबर, डज दिस एप्लीकेंट हैव एन ऑस्ट्रेलिया वीजा ग्रांट नंबर, तो ये नो ही आएगा यहाँ पे, किसी को यस नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में होता है। अदर पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवल, नेक्स्ट कॉलम है, डज दिस एप्लीकेंट हैव एनी अदर पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट, सिंस इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप प्रोसेस या ये दूसरे देशों के साथ नहीं करते, यानी अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो किसी और कंट्री का पासपोर्ट आप ले ही नहीं सकते, आपको इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे नो ही आएगा। अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, डज दिस एप्लीकेंट हैव अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो हम तो अपना आधार कार्ड पासपोर्ट लिख चुके हैं, उसके अलावा क्या जरूरत है, तो नो ही करिए। हेल्थ एग्जामिनेशन, हैज द एप्लीकेंट अंडरटेकन द हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर एन ऑस्ट्रेलिया वीजा इन द लास्ट 12 मंथ्स, कभी आपने ऑस्ट्रेलिया वीजा लगाया हो किसी सर्टेन कैटेगरी का जिसमें मेडिकल कंपलसरी हो, तो अगर आपने मेडिकल दिया है तो यहाँ पे यस करें, नहीं दिया तो सिंपली नो करें। क्रिटिकल डाटा कंफर्मेशन, ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज इंपॉर्टेंट टू द प्रोसेसिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन, इफ द इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड ऑन द पेज इज इनकरेक्ट, इट मे लीड टू डिनायल ऑफ परमिशन टू बोर्ड एन एयरक्राफ्ट टू ऑस्ट्रेलिया, वीजा आने के बाद कह रहे हैं ये, इवन इफ द वीजा हैज बीन ग्रांटेड। सी, कंफर्म दैट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड दैट इट इज इन द करेक्ट फील्ड्स। फैमिली नेम, गिवन नेम, अगेन वो आपसे रिकन्फर्म कह रहे हैं कि भाई आपने फॉर्म भर दिया है तो रिकन्फर्म करें, क्योंकि अगर आपका वीजा लग गया और वो पासपोर्ट से मिसमैच हो गया तो बोर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, ये कह रहे हैं लोग, राइट। तो अगेन फैमिली नेम, गिवन नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, कंट्री पासपोर्ट, ये जो आपने ऊपर फिल करा था उसको भी सावधानी से फिल करके रिकन्फर्म यहाँ पर कर दीजिए। इज द अबर इन्फॉर्मेशन करेक्ट, यहाँ पे यस ही कहेगा। ट्रैवलिंग कंपेनियंस, अभी नेक्स्ट कॉलम है आपका, ईच पर्सन ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया मस्ट सबमिट अ सेपरेट विजिटर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, दिस इंक्लूड्स चिल्ड्रन एंड अदर फैमिली मेंबर्स। काफी सारे क्वेश्चन होते हैं कि भाई मेरे पास छोटा सा बच्चा है, क्या मुझे उसका भी एप्लीकेशन भरना होगा, तो यहाँ पर इससे आपको आंसर मिल जाता है कि यस, भरना होगा।
आप अगर चार लोग हैं तो चारों के सेपरेट होंगे, आपके तीन बच्चे आपके साथ जा रहे हैं तो तीनों के सेपरेट एप्लीकेशन फिल होंगे, ठीक है। आर देयर एनी अदर पर्सन्स ट्रैवलिंग विद एप्लीकेंट टू ऑस्ट्रेलिया, अगर आपके पास है साथ में कोई और जा रहा है तो आप यस करें, अगर नहीं जा रहा तो यहाँ पे नो करें। ट्रैवलिंग कंपेनियन अगर यस करेंगे तो उसके बाद ओपन हो जाएगा और ट्रैवलिंग कंपेनियन की डिटेल लिखी जाएगी कि आपके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, आप लिखे स्पाउस हैं, मेरे बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, या मेरा ब्रदर है, सिस्टर है, पेरेंट है, जो भी है, और फिर उनकी डिटेल, फैमिली नेम, गिवन नेम, उनका सेक्स, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछेंगे आपसे, राइट। तो ये जितने भी, अगर आपने तीन सेलेक्ट करे तो तीन ट्रैवल कंपेनियन के कॉलम खुलेंगे, दो करा तो दो खुलेंगे, चार करा तो चार खुलेंगे, एक करा तो एक खुलेगा, नहीं करा तो नहीं खुलेगा, राइट। तो उनकी डिटेल्स आएगी, यानी एक पूछ रहे हैं कि आपके साथ जो जो है उनकी डिटेल एक्यूरेटली यहाँ पे मेंशन करें। तो आपने सिर्फ अपनी ही डिटेल केयरफुली नहीं भरनी है, इनकी भी केयरफुली भरनी है, चार बार इनसे पूछ के भरिएगा जो भी आपके साथ जा रहे हैं। अगर उनका कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो भी है यहाँ पे यस आ जाएगा, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस और फोन नंबर वगैरह भी पूछेंगे आपसे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आ गया डिपार्टमेंट ऑफिस, द एप्लीकेंट मे बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिस फॉर एन इंटरव्यू, ये पूछ रहे हैं, व्हिच इज द क्लोजेस्ट ऑफिस टू द एप्लीकेंट करंट लोकेशन। अब यहां पर आ जाता है आपका जोन कौन सा है, यानी ऐसा हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, ये कह रहे हैं मे बी, इट इज नॉट कंपलसरी, बट हो सकता है आपको बुलाया जाए। तो अगर आप बुलाया जाता तो आपके नियरेस्ट कौन सा कॉन्सुलेट है, तो ये डिपेंड करता है आप कहां पर हो। जैसे अगर मान लीजिए आप ईस्टर्न जोन पे हैं, यानी आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं या फिर बंगाल से हैं, तो उस केस में, या उड़ीसा से हैं तो कोलकाता वाला पास आएगा, आप नॉर्थ जोन में हैं तो दिल्ली वाला पास में आएगा, वेस्ट में है तो मुंबई वाला होएगा, साउथ में है तो बेंगलोर वाला या चेन्नई वाला होएगा। अकॉर्डिंगली यू कैन चूज जो भी आपका जोन आता है, ये आप वहां पर चेक कर लेंगे, मतलब मेरे कहने पे ना जाए, वहां पे आराम से खुद ही आ जाएगा जब चेक करेंगे सर, राइट। तो रेजिडेंशियल एड्रेस आपसे पूछ रहे हैं, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, तो आपके जो पासपोर्ट पे आप उसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये फोन नंबर आपका एक्टिव रहना चाहिए, आप ऐसा फोन नंबर डालें जो हमेशा ऑन रहे, जस्ट इन केस अगर इंटरव्यू की कॉल आती है तो मिस ना हो, क्योंकि एक ही बार वो कॉल करेंगे, अगर ऐसा हुआ और वो मिस हो गया तो उस केस में वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को इररिलेवेंट कर देते हैं, और ऐसा हमने अक्सर देखा है, और फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप वही फोन नंबर दें जो हमेशा ऑन रहता है, थोड़ा सा ये सरदर्द रहेगा, बट प्लीज मेक श्योर ये आप करें, ठीक है। पोस्टल एड्रेस आपसे पूछ रहे हैं, आपका पोस्टल एड्रेस वही है जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, अगर यही है तो यस करें, अगर अलग है तो पोस्टल एड्रेस यहाँ पे अलग से मेंशन कर दीजिए। ईमेल एड्रेस आपका, अगेन ईमेल एड्रेस वही दे जिसको आप रेगुलर चेक करते रहें। ऑथराइज्ड रिसिपिएंट, डज द एप्लीकेंट ऑथराइज एनी अदर पर्सन टू रिसीव द रिटन करेस्पॉन्डेंस ऑन देयर बिहाफ, अगर आप चाहते हैं आपके बिहाफ पे कोई और एप्लीकेशन फाइल करे, या कोई और बंदा बात करे, क्या कोई और बंदा आपको रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पे यस करें। मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ पर आप नो ही करना, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को खुद ही आगे रख सको, क्योंकि ऐसे में कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी, फिर आपको 10 सवालों के आंसर देने पड़ेंगे कि ऐसा पर्सन क्यों कर रहा है, आपके पास ऐसी क्या डिसेबिलिटी है, कि आपको इंग्लिश नहीं आती, कि आपको समझना नहीं आता, कि आपको वीजा का नहीं पता, सो एंड सो इशू हो जाता है, तो यहाँ पर आप नो ही करें मेरे अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हम आपके जो आपने ईमेल आईडी दिया हुआ इसी के थ्रू हम कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, ये कन्फर्मेशन होती है, तो ये खुद ही लिखा होगा। नॉन अकम्पनिंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूनिट, डज द एप्लीकेंट हैव एनी मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली यूनिट नॉट ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया हु आर नॉट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट्स, यानी अगर आप अकेले जा रहे हैं, मैरिड हैं, फैमिली है आपके पीछे, तो यहाँ पे यस करें, और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पे नेचुरली नो ही हो जाएगा, अब मेरा पीछे कोई नहीं है तो मैं सबको लेकर जा रहा हूँ, तो वट एवर इज द आंसर वो आपको ज्यादा पता होगा अपने बारे में। और प्रपोज पीरियड ऑफ स्टे, अब नेक्स्ट कॉलम आ जाता है एंट्री टू ऑस्ट्रेलिया का, यानी कितने टाइम तक आप वहाँ पे रहना चाहते हैं। डज द एप्लीकेंट इंटेंट टू एंटर ऑस्ट्रेलिया ऑन मोर देन वन ओकेशन, आप मल्टीपल एंट्री चाहते हैं या एक ही बार आना चाहते हैं, जो भी आपका इंटेंशन है यहाँ पे आप लिख दीजिए। अगर मल्टीपल एंट्री है तो यस करेंगे, सिंगल एंट्री है तो नो करेंगे, बट मल्टीपल अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए स्पेसिफाई करने के लिए कि आप मल्टीपल एंट्री क्यों चाहते हैं। ओके, तो हाउ लॉन्ग डज द एप्लीकेंट प्लान टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, कितना टाइम रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ अराइवल आपका हो जाएगा 10 दिन 15 दिन, और अराइवल डेट और एग्जिट डिपार्चर डेट, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी जाती हैं। स्टडी वाइल इन ऑस्ट्रेलिया, और विल द एप्लीकेंट अंडरटेक अ कोर्स टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे नो ही करना, आपने यस कर दिया तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वहाँ पे आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आप ये पूछ रहे हैं कि आप वहाँ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे नो ही करिए। हाँ, अगर आप जा ही कोई छोटा मोटा डिप्लोमा या कोर्स करने के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट, रिलेटिव्स फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, पूछ रहे हैं आपका ऑस्ट्रेलिया में कोई कॉन्टैक्ट है, अगर आप किसी के इनविटेशन स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं तो यहाँ पे यस ही आएगा नेचुरली, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आप नो करिए, और अगर आप एक्चुअल में किसी से मिलने चाह रहे हैं और वो स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं तो दे शुड सेंड यू एन इन्विटेशन, तो उस केस में भी यहाँ पर यस होएगा और उनके क्रेडेंशियल्स मेंशन होंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो ही आएगा। वीजा एप्लीकेंट्स करंट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, तो करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपका जो भी एप्लीकेंट है ऑस्ट्रेलिया से बाहर, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, प्लीज उसके बारे में बताएं।
तो करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपसे पूछ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाए, ऑक्यूपेशन क्या है आपका वो लिखा जाएगा, बिजनेस करते हो तो प्रोप्राइटरशिप लिखो, आप जॉब करते हो तो अकॉर्डिंगली अपनी जॉब सेलेक्ट करें, आप ऑर्गेनाइजेशन अब यानी आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं उसका नाम लिखें, आपकी खुद की कंपनी है उसका नाम लिखें, स्टार्ट डेट विद करंट एम्प्लॉयर यानी स्टार्ट अभी जो जिस एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और खुद की बिजनेस है तो कब रजिस्टर कराई थी यहाँ पे वो लिखा जाएगा। Organization address, note that a street address is required, a post office cannot be accepted as an organization address. यानी आपको complete address देना होगा जिस भी organization में आप काम कर रहे हैं या जो भी आपकी company है, whatever. Next आया था contact telephone numbers, यानी उस organization का contact number आपको देना होगा, यानी आपकी company का जो भी relevant contact number है, और please make sure आपकी company का जिसका भी आप number दे रहे हैं he should attend the call. तो आप उनको पहले से बता के रखें कि सर मैंने ऐसे ऐसे वीज़ा अप्लाई करा है, तो हो सकता है कि वहाँ से एक चेकिंग हो जाए और आपके पास कॉल आ जाए, तो आप प्लीज़ आप पिक कर लें। और अगेन आपको उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल एड्रेस भी देना होगा, और अगर आप खुद ही बिजनेस करते हैं और तो उस केस में आप अपनी डिटेल्स भी दे सकते हैं। फंडिंग डिटेल्स, अब आपकी फंडिंग कौन कर रहा है, यानी गिव द डिटेल्स ऑफ हाउ द एप्लीकेंट स्टे इन ऑस्ट्रेलिया विल बी फंडेड, कौन पे कर रहा है, तो अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे, कोई दूसरा कर रहा है तो स्पॉन्सर लिखेंगे, या जो भी रीजन आपको दिख जाएगा। What funds will the applicant have available to support their stay in Australia? कितने funds है आपके पास, कैसे हैं, तो यहाँ पे आप elaborate करें। जैसे मान लीजिए हो सकता है आपके पास salary account अलग है, saving account अलग है, current account अलग है, fixed deposits अलग है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे mention कर सकते हैं कि भी मेरी इतनी balance है इस वक्त मेरे saving में, या मेरे current में इतना balance है, मेरे दो saving account है दोनों में इतना इतना है, मैंने FD में भी invest किया हुआ है उसमें इतना, तो यहाँ पर आप मोटा मोटा इसका ब्यौरा दे सकते हैं। हेल्थ डिक्लेरेशन होता है, इसमें सभी नो होता है, इसमें पूछा जाता है कि भाई आपके पास कोई घातक बीमारी या कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं चल रहा है आपका, और कोई आपका और कोई इंटेंशन तो नहीं है, आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई वहाँ पर जाके आप काम तो नहीं करेंगे, पढ़ाई तो नहीं करेंगे, जो आप बता रहे हो सच है अपना ना खाना, तो यहाँ पर आपने सारे में नो ही करना होता है इस कॉलम में। करेक्टर डिक्लेरेशन होता है कि भाई अब यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि भाई आपने कभी डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक इश्यूज इंडिया में, इंडिया से बाहर कभी पुलिस केस फलाना धमकाना को टेररिस्ट एक्टिविटी या किसी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये सभी वीजा फॉर्म में होते हैं, सब में नो ही आता है, आपने यस कर दिया तो फिर वीज़ा नहीं मिलेगा, राइट हाँ, बट सच बोलना है अगर बाय चांस में आपकी हिस्ट्री में एक्चुअल में ऐसा कोई एपिसोड रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए यस। वीज़ा हिस्ट्री आपसे पूछ रहे हैं आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ, नेक्स्ट कॉलम है वीज़ा हिस्ट्री, यानी ट्रैवल हिस्ट्री को वीज़ा हिस्ट्री कहते हैं, तो अगर आपने पास में ट्रैवल किया हो तो यहाँ पे यस करें, और फिर गिव डिटेल्स का एक कॉलम ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखें कि आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं, मैं थाईलैंड जा चुका हूँ जी, मैं सिंगापुर जा चुका हूँ, मैं दुबई जा चुका हूँ, राइट, मैं श्रीलंका जा चुका हूँ, तो यहाँ पर आपने वो मेंशन करना है, या मैं यूके जा चुका हूँ, कनाडा जा चुका हूँ, व्हाटएवर, तो यहाँ पे यस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हैज द एप्लीकेंट एवर बीन इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री एंड नॉट कंपाइल्ड विद द वीजा कंडीशंस, ये पूछ रहे हैं कि कभी आप ऑस्ट्रेलिया और आपने कभी डिफॉल्ट किया है, तो आपने नो ही कहना है, अगर आपने डिफॉल्ट एक्चुअल में किया हुआ है तो फिर यस कहना पड़ेगा मजबूरी में। हैज द एप्लीकेंट एवर हैड अ वीजा फॉर ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री रिफ्यूज्ड और कैंसल्ड, कभी आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री का, तो यहाँ पे यस आएगा, चाहे वो शेंगेन हो, यूके हो, कनाडा, यूएस हो, या ऑस्ट्रेलिया खुद क्यों ना हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे यस आएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो आएगा। अब ये डिक्लेरेशन होता है कि आपने कोई फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और आपने सारी चीज़ें जो दी है बिल्कुल जेन्युइन दी है, तो यहाँ पे यस यस सेलेक्ट होता चला जाएगा, ये डिक्लेरेशन वाला पॉइंट है। अगर आप फास्ट ट्रैक सर्विसेज लेते हैं, प्रायोरिटी कंसिडरेशन जिसे कहते हैं, प्रायोरिटी कंसिडरेशन यानी फास्ट ट्रैक सर्विसेज अगर आप वो लेते हैं, तो उसकी डिटेल्स आपसे यहाँ पे लिखी हुई आती है, वो पूछते हैं कि इस लिंक पे जाके आप इसे एनरोल कर लीजिए। ये था पूरा वीज़ा फॉर्म, अब ये वीज़ा फॉर्म फिल कर दिया आपने, प्रोफाइल बना दी, अब आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, अकाउंट स्टेटमेंट, बिजनेस के जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन प्रूफ है वो, और टैक्स रिटर्न 3 साल के, वो सारे आप लें। इनविटेशन पे जा रहे हैं तो इनविटेशन लेटर लें, जो भी इनवाइट करा उसका कोई ना कोई आईडी प्रूफ साथ में सेलेक्ट करें, और कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं, कोई फिक्स डिपॉजिट्स है जैसे कि भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो उनकी भी आप साथ में कॉपी लगा सकते हैं और अपनी फाइल को जमा करा सकते हैं। अब ये था पूरा प्रोसेस जिसमें हमने वीज़ा फॉर्म डिस्कस करा, प्रोफाइल कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आपका रिसेंटली रिफ्यूज हुआ है तो आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं अप्लाई करना चाहिए, पहली चीज़, जब तक आपके रिफ्यूज़ल के रीज़न जो है वो करेक्ट ना हो। ये अगर आपको लगता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट से गलती हुई थी तो आप फिर भी रीअप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने कभी भी पास में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लिया था बट आपसे ओवरस्टे हो गया और ये सब हो गया और उसका आपके पास बहुत ही जेन्युइन रीज़न है तो आप अप्लाई करें, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो कुछ खास करा नहीं उसके बाद से, मैं रीअप्लाई करके देख लेता हूँ, तो फिर वो एक अंधेरे का तीर है, उस केसेस में सक्सेस रेशियो काफ़ी कम रहता है ऑस्ट्रेलिया का, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं और बिजनेस के आपने डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ ये लगा दिया कि मेरा तो करंट अकाउंट है, तो उससे बात नहीं बनेगी, करंट अकाउंट के साथ साथ कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन प्रूफ अपना लगाएं, GST तो उसे लगा लें, कोई ट्रेड लाइसेंस उसको लगा लें, आप कोशिश करें जितने अच्छे प्रूफ हो आप उसको लगाएं, हाइड ना करें, कई बार लोगों को लगता है क्या जरूरत है मैं नहीं लगा रहा,
ऐसा ना करें, अगर है तो डेफिनेटली लगाएं। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कोई भी ट्रिप अपना इतना लंबा ना करें कि आपके अकाउंट में इतने फंड्स ही हुए ही ना। अब जैसे मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, मैं दिखा दूँ मैं एक महीने के लिए जा रहा हूँ, तो उस केस में मेरे अकाउंट में ट्रैवल ही मेरा 5 लाख से ऊपर का चला जाएगा, 6 लाख से ऊपर का चला जाएगा। तो क्या मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, वो मेरी अकाउंट स्टेटमेंट बता देगी। तो ऐसे केसेस में कीप इट शॉर्ट, 10-12 दिन का सफिशिएंट होता है ट्रिप। आपके पास जो भी बैलेंस है उसको उसके कंटेक्स्ट में आगे अपना सारा ट्रैवल डिजाइन करें और तब अप्लाई करें। तो आई विश यू वेरी सक्सेस ऑन ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं होप करता हूँ कि आपको वीजा मिले, या आप खुद भी कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर, ये सारा प्रोसेस सेल्फ टू डू प्रोसेस है, और अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो नेचुरली वी आर हियर टू असिस्ट यू ऑल द टाइम। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।